ओमिक्रॉन का एक नया सिलसिला कोविड 19 में फिर से शुरू हुआ है और सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस ओमिक्रॉन को लेकर के चिंतित है। राज्य सरकार ने कल से एक नई गाइडलाइन सेक्शन 144 और तमाम गाइडलाइंस इशू करी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी ये तमाम गाइडलाइंस इशू किया है। आपको हमको जिस तरह से कोविड 19 और 2021 में अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ी है, उसी तरह से ओमिक्रॉन को लेकर के भी आपको हमको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। कल तक के मुंबई एलोन 3600 केसेस हो चुके हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कल 31st नाइट पे चौपाटी, नरिमन पॉइंट, जहां पर भी न्यू ईयर मनाया जाता है, वहां पर पाबंदी लगाई थी। ये पाबंदी सिर्फ उस इलाके के लिए, उतने चीज के लिए मर्यादित नहीं है, तो पूरे स्टेट के लिए। मैं इसलिए सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस 2022 जनवरी 2022 में ये जो ओमिक्रॉन है, इससे फिर से आपको हमको लड़ना है, अपनी हिफाजत करनी है, परिवार की हिफाजत करनी है, अपने पड़ोसियों की हिफाजत करनी है। कोविड 19 की पूरी हालत आपने हमने देखी, लाशों के अंबार बिछ गए थे। अब उस परिस्थितियों को में अगर हमको वापस नहीं जाना है तो सरकार की दी हुई सारी गाइडलाइंस को मानना चाहिए।